गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या नाम है? एक अनोखा अजायब घर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। वीडियो का पैटर्न सेम ही है कि पहले मैं आपको चैप्टर अच्छे से डिस्कस करती हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिखाती हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, मैं अपनी स्पीड में, एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ती हूँ। अगर आपको स्पीड तेज़ लगती है तो आप लोग यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके इसे स्लो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम स्लो पढ़ रही हैं, तो आप इसको तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी नॉर्मल स्पीड है। अब इससे स्लो पढ़ाऊँगी तो बहुत स्लो हो जाएगी वीडियो, और अगर स्पीड में पढ़ाऊँगी तो आपके समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है एक अनोखा अजायब घर। अजायब घर किसे कहते हैं? म्यूज़ियम, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सुलेमान, हिना और जावेद इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती हैं। यानी कि अब ये तीनों भाई बहन हैं, दोस्त है, जो भी वैसे भाई बहन है ना, तो तीनों भाई बहन आपस में बहस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक है, असल में अब्बू ने उनसे वादा किया था कि अगर वो सब अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है, हो गए, तो उन्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वो पूरी दुनिया की तहजीब का नज़ारा कर सकते हैं। यानी कि अब्बू ने उनसे प्रॉमिस किया था उन सब से कि अगर वो लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे तो क्या होगा, उन्हें अब्बू एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चीज़ों का क्या कर सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं, यानी उन्हें देख सकते हैं। इतने में अम्मी आ गईं। उन्होंने बच्चों को परेशान देखा तो उनकी मदद के लिए कुछ निशानियां बताते हुए कहा कि उस जगह हिंदुस्तान के साथ ही पूरे एशिया और यूरोप की नादर चीज़ें देखी जा सकती हैं। नादर मतलब क्या होता है? कीमती, है ना। तो क्या है, पूरे यूरोप, एशिया, मतलब सब जगह की, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान की। अम्मी ने बच्चों को हिंट दिया। इसमें चीन के बर्तन भी हैं, ठीक है, जापान की लाख से बनी चीज़ें, ठीक है, और नेपाल, थाईलैंड और तिब्बत के लकड़ी, है ना, और जड़ाव काम के नमूने भी हैं। इनके अलावा तरह तरह के मुजस्मे, कीमती पत्थर, मीनाकारी के नमूने, ठीक है, और पेंटिंग्स वगैरह भी काबिल दीद हैं, यानी कि देखने के लायक हैं। ठीक है, ये सुनकर सुलेमान ने कहा कि आप हमें उस जगह का नाम बता दीजिए, हम अब्बू से कुछ नहीं कहेंगे, है ना। ये बच्चों की पॉलिसी होती है, जब हम छोटे से थे ना तो हम भी यही करते थे कि आप हमें बता दीजिए, हम अब्बू को नहीं बताएंगे, है ना। तो अम्मी ने क्या कहा? अम्मी मुस्कुराई और बोली। क्या बोली? क्योंकि अम्मी तो अम्मी होती हैं, है ना, तो वह हम सबसे ज़्यादा चलाक होती हैं। तो वो क्या कहती हैं? वो आपको अचानक से उस जगह ले जाकर हैरत में डालना चाहते हैं। नाम बताने से सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। यानी कि अब्बू आप लोग को सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, है ना। अगर मैं आपको पहले से ही नाम बता दूंगी तो वो जगह आपको पता चल जाएगी कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, और जब आपको वो जगह पता चल जाएगी तो सारा मज़ा क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा, है ना। यानी फिर वो एक्साइटमेंट, वो मज़ा नहीं रहेगा जो अभी आपका है। तो अम्मी ने की ना कितनी समझदारी की बात। अब देखिए क्या लिखते हैं। तो फिर ये बता दीजिए कि वो जगह हमारे शहर हैदराबाद में ही है, हिना ने पूछा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, क्लू और मांगते हैं, है ना, कि और हिंट दीजिए, और क्लू दीजिए। तो अब हिना ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, आप मत बताइए ना, बस आप ये बता दीजिए क्या वो जगह हमारे शहर हैदराबाद में है या कहीं और है। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा जी हाँ, ठीक है, यानी कि वो यही है। जी हाँ, जावेद चिल्लाया, ठीक है, यानी अब जावेद को पता चल गया। मैं तो पहले से ही कह रहा था। तीनों बच्चे खड़े हो गए और खुशी से उछलने लगे। हमें मालूम है कि अब्बू हमें कहाँ ले जाएंगे, हिना दावा किया। हिना ने अब क्या किया? दावा किया है उसने, मतलब बड़े होने का वो दिखाया कि हाँ भाई मुझे मालूम है, मैं समझ गई अब्बू हमें कहाँ ले जाएंगे, है ना। इतने में अब्बू भी कमरे में दाखिल हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, सुलेमान भाग कर अब्बू से लिपट गया और कहने लगा कि आप अब हमें हैरत में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया है कि आप हमें कहाँ ले जाने वाले हैं। हिना और जावेद ने कहकहा लगाया, यानी दोनों बहुत ज़ोर से हंसे।
ठीक है। अब्बू ने पूछा, बताइए हम आज आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। यानी अब्बू ने कहा, अगर आपको पता चले गया तो ज़रा बताइए हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। जावेद ने सुलेमान को खामोश रहने का इशारा किया और अब्बू से पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है। ठीक है, यानी अब देखिए सुलेमान जो है वो बड़े होंगे, है ना, मतलब छोटे होंगे, तो इसलिए जावेद ने क्या करा, सुलेमान से कहा कि तुम चुप रहो, नहीं बताओगे कि हमें कहाँ जाना है, और हमें पता चल गया इस बात को अब्बू को नहीं बताना है। ठीक है, और उन्होंने अब्बू से क्रॉस क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया कि अब्बू अच्छा ये बताइए क्या उस जगह पे मुग़लों के ज़माने का कोई सामान है। ठीक है, अब्बू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मुग़लों के इस्तेमाल की बहुत सी नादर चीज़ें हैं, यानी बहुत सारी कीमती चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हैं। उनमें एक छोटा सा कुरान मजीद भी है जिस पर तीन मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दस्तखत हैं। यानी एक छोटा सा प्यारा सा कुरान शरीफ है, ठीक है, कुरान मजीद है जिसमें तीन मुग़ल बादशाहों ने क्या किया है, दस्तखत किया है। तो क्या वहाँ टीपू सुल्तान का अमामा और कुर्सी भी है। जावेद ने सवालिया अंदाज में कहा कि मतलब टीपू सुल्तान का अमामा और उनकी कुर्सी भी है क्या, पापा से उन्होंने पूछा। अभी अब्बू ने जवाब भी नहीं दिया था कि हिना चिल्लाई, आप हमें सालाना, ठीक है, सालार जंग म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी अब उसे पता चल गया। अब हिना ने क्या जवाब दिया, अब्बू हमें पता है कि आप हमें सालार जंग म्यूज़ियम ले जा रहे हैं। अब्बू ने रास्ते में बच्चों को बताया कि पहले ये म्यूज़ियम 16 दिसंबर 1991 को हैदराबाद में सालारा जंग की रिहाइश गाह की दीवान, ठीक है, दीवान ड्योढ़ी में कायम किया गया था। ठीक है, पहले ये यहाँ कायम किया गया था, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने 1961 में एक कानून पास करके इस अजायब घर को कौमी सतह का इदारा बना दिया। ठीक है, यानी ये अभी तक तो एक लोकल था, मतलब एक पर्सनल था, लेकिन बाद में फिर ये कौमी सतह का बन गया, यानी नेशनल लेवल पर बन गया। और 1968 में यह अजायब घर एक 4 मंजिला इमारत में मुंतकिल कर दिया गया, यानी ये 4 फ्लोर का बना हुआ है, 4 मंजिल का है। ठीक है, अब्बू की बात ख़त्म होने पर सुलेमान ने पूछा, अब सुलेमान ने क्या पूछा, ये म्यूज़ियम किसने बनवाया था। अब्बू ने जवाब दिया, इस म्यूज़ियम में सालार जंग ख़ानदान की 3 पुश्तों का जमा किया हुआ साजो सामान है जिसमें सालार जंग स्वयं नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान का अहम रोल है। यानी कि उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इस म्यूज़ियम में सालार जंग ख़ानदान की 3 पुश्तों का सामान है, यानी उन्होंने 3 पुश्तें इसमें लगी हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, यूसुफ़ अली ख़ान का है। इसीलिए ये बात मशहूर है कि ये म्यूज़ियम दुनिया भर में किसी एक शख्स का जमा किया हुआ फ़नून लतीफ़े का सबसे बड़ा ज़खीरा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये किसी एक शख्स का जमा किया हुआ है। ठीक है, आगे बताते हैं, म्यूज़ियम में दाखिल होते वक्त अम्मी ने बताया कि यहाँ मौजूद चीज़ें सालारा जंग के ज़रिए जमा किए गए सरमाया का सिर्फ आधा हिस्सा, यानी उसने जितना सरमाया जमा किया था, जो भी पैसा दौलत या जो भी चीज़ें थी, है ना, हथियार वगैरह, उनका ये सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके मुलाजिम ले गए और कुछ हिस्सा म्यूज़ियम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त खो गया या गायब कर दिया गया, है ना, यानी चोरी हो गया या गिर गया या टूट गया। अबू ने कहा, यह सरमाया दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखता है। यानी सरमाया किसे कहते हैं, जो सामान है ना, यहाँ जो भी सामान है वो दुनिया की अलग अलग तहजीबों से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ एक का ही नहीं है, है ना, इनमें सिंध, मिस्र, ठीक है, मेसोपोटेमिया, यूनान की तहजीबें ख़ास तौर पर क्या हैं, ज़िक्र के काबिल हैं म्यूज़ियम में। अब देखिए ये अलग अलग इलाकों के नाम हैं ना, मिस्र, सिंध, मेसोपोटेमिया, है ना, यूनान, ये सब जगहें हैं, मुल्क हैं बड़े बड़े। ठीक है, म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाई गई 43,000 चीज़ें रखी गई हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग फ़नून से है। यानी हर अलग अलग फ़न से जुड़ी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जंग के फ़न से ही जुड़ी हुई हूँ या सिर्फ पेंटिंग्स ही हूँ, सब अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, इसके अलावा
50,000 किताबें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। यानी यहाँ पे कितनी किताबें, 50,000। इसके अलावा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान भी है, जिसे गोलकंडा के शाही कुतुब खाने से लाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर हैं, है ना। तो उनका यहाँ पे दीवान भी है, जो कहाँ से लाया गया, गोलकंडा से लाया गया था। इसके बाद सब म्यूज़ियम देखने लगे। यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई हैं। एक गैलरी में मुजस्मे, है ना, यानी मूर्तियाँ वगैरह, है ना। दूसरी गैलरी में क्या है, दूसरी में कीमती पत्थर, तीसरी में बर्तन वगैरह हैं। इसी तरह एक गैलरी में सिर्फ घड़ियाँ और घंटे, एक में सिर्फ कपड़े, है ना, एक में हाथी दांत का सामान, यानी हाथी के जो दांत हैं उनके सामान रखा गया है। हाथी के दांत से ज्वेलरी वगैरह बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती है, वो सब रखा गया है। एक कमरे में सालार जंगी की ज़ाती अशियाएँ की भी नुमाइश की गई है, यानी जो सालार जंगी के अपने पर्सनल चीज़ें थी वो भी उसमें रखी गई हैं। इसमें उनको पेश किए जाने वाले तमगे, है ना, दरदोजी की शेरवानियाँ और ख़ूबसूरत मस्तन भी हैं, यानी कि जो चीज़ें उनको गिफ्ट्स वगैरह में मिली वो भी हैं। इस कमरे में सालारा जंगी स्वयं मीर यूसुफ़ अली ख़ान की एक बड़ी तस्वीर भी है, ठीक है, यानी इसमें जो बादशाह थे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। साथ ही नवाब साहब के कपड़े, किताबें, फर्नीचर और दीगर अशिया भी देखी जा सकती हैं, यानी नवाब साहब की सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है, मौजूद हैं। म्यूज़ियम में दूसरी या तीसरी सदी का गौतम बुद्ध का मुजस्मा और मुख्तलिफ मज़ाहिब के देवी देवताओं के पत्थर, ठीक है, यानी अब उनकी मूर्तियाँ वगैरह, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कांसे और लकड़ी से बनी हुई है, बनी हुई अब यहाँ पे मूर्तियाँ भी मौजूद हैं, ठीक है, देवी देवताओं की वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके अलावा इटली, जर्मनी और फ्रांस से ख़रीदे गए कुछ मशहूर मुजस्मे भी हैं, यानी कुछ मूर्तियाँ इटली, जर्मनी और फ्रांस से ख़रीदी गई हैं। म्यूज़ियम से वापस आते वक्त सब खामोश थे। अबू ने बच्चों की तरफ हैरत से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी म्यूज़ियम में खोए हुए हैं। अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, किसी ने सच ही कहा है। क्या कहा है कि म्यूज़ियम वक्त और मुकाम की क़ैद से आज़ाद है, है ना, यानी म्यूज़ियम जो है वहाँ जो इंसान जाता है खो जाता है, उसको मतलब हर चीज़ नई दिखती है ना, पुरानी पुरानी। अब देखिए क्या होता है ना, देखने का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी पूरी किसकी थी, म्यूज़ियम की थी। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, कुछ इतना ख़ास चैप्टर था नहीं, बस इसमें म्यूज़ियम की बात की गई। अजायब घर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अजीब अजीब चीज़ों को जमा किया जाए, है ना, जिसे हम म्यूज़ियम कहते हैं, है ना, अजायब घर, वो जगह जहाँ पुरानी और नायाब चीज़ों को रखा जाए और उसकी नुमाइश की जाए। तहजीब किसे कहते हैं, कल्चर, रहन सहन, आदाब ज़िंदगी, है ना, हमारे बात करने का, रहने का, बोलने का, खाने पीने का, ये सब सलीका, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब किस में आता है, तहजीब में, यानी कल्चर में। नादिर मतलब होता है अनोखी, है ना, जो चीज़ें कीमती हैं, जो कभी किसी ने नहीं देखी। मीनाकारी, मीनाकारी भी ना क्या होता है, पत्थरों पे नक्काशी का काम किया जाता था, उसको कहते थे मीनाकारी। अमामा किसे कहते हैं, पगड़ी को कहते हैं, ठीक है। रहाइशगाह, रहने की जगह, घर जिसे हम कहते हैं। मुंतकिल करना, यानी किसी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। इदारा कहते हैं किसी एक गिरोह को, किसी एक जगह को, ठीक है, इंस्टीट्यूट को। आगे पुश्त, पुश्त मतलब होता है नस्ल, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं सोम, यानी तीसरा। फ़नून, फ़नून की यानी फ़न की जमा है, हुनरकारी। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। ज़खीरा कहते हैं जमा की हुई चीज़ें। मुलाजिम, ठीक है, यानी मुलाजिम की जमा है। दीवान, दीवान कहते हैं जो शायरी का मजमूआ होता है, जिसे हरफ तहजी के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कुतुब खाना, किताब रखने की जगह, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। अशिया, शय की जमा यानी कि चीज़ें। जरदोजी, सोने के तार से या सुनहरे तार से की गई कढ़ाई होती है ये, ठीक है। मुसनद यानी कि तकिया लगाकर बैठने की जगह, यानी तख्त। उसके बाद लिखते हैं मज़ाहिब यानी मज़हब की जमा यानी धर्म। अब देखिए इसके बाद यहाँ आपको सवाल जवाब, खाली जगह, लफ्ज़ वाहिद जमा को अलग करना है
है ना। इसके बाद आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। तो देखिए ऊपर की जितनी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको आंसर शीट पे करवाने वाली हूँ, लेकिन ये बुलंद आवाज़ से जो पढ़ना है इसको पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आप इसे लिखिएगा भी ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो सके। अजायब घर, मुंतकिल, फ़नून लतीफ़ा, अमामा, जरदोजी, दस्तखत, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गौर कीजिए और अमली काम दिया गया है, ठीक है। तो अगर अमली काम आपके टीचर्स कहते हैं तो आप कीजिएगा, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आंसर शीट को देख लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो देखिए आपका पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, सुलेमान, हिना और जावेद किस बात पर बहस कर रहे थे। तो आपको पता है कि तीनों बच्चे किस बात पर बहस कर रहे थे कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है, जहाँ उनके पापा उनको ले जाने वाले थे। आगे बोलते हैं, सालार जंग म्यूज़ियम कहाँ कायम किया गया था, यानी सबसे पहले वो कहाँ बना है। तो बताते हैं कि 16 दिसंबर को बना था, कहाँ, हैदराबाद में, है ना, जहाँ पर सालार जंग की रिहाइशगाह थी, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, म्यूज़ियम का सामान जमा करने में किस शख्स ने अहम रोल अदा किया। यानी कि वैसे तो उन्होंने बताया है कि भाई तीन लोगों ने करा, लेकिन वैसे मेन किसने करा, तो बताते हैं नवाब मीर यूसुफ अली खान ने, ठीक है। लिखा है म्यूज़ियम में कुल कितनी चीज़ें और किताबें हैं, तो बताते हैं कि म्यूज़ियम में 43,000 चीज़ें और 50,000 किताबें हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सालार जंग की कौन कौन सी चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि उनके तमगे, है ना, जरदोजी की शेरवानियाँ, खूबसूरत मुनसद, और उसके अलावा आपके सालार जंग की जितना भी मतलब सामान था उनका वो ज़्यादातर वहाँ पे हैं, है ना, उनकी तस्वीरें, कपड़े, किताबें, फर्नीचर, ये सब वहाँ पे मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को क्या करना है, खाली जगह को भरना है। तो ये देखिए सारे आपको भरे भराए मिल गए हैं, अब आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे आ जाइए तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के क्या करना है, वाहिद लफ्ज़ों की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। तो देखिए ये जमा हमें दिए गए थे, फ़नून फ़न की जमा है, मुलाजिम, है ना, मुलाजमीन यानी मुलाजिम की जमा है, मज़ाहिब मज़हब की जमा है, कुतुब किताब की जमा है, अशिया शय की जमा है, ठीक है। और कुछ हमें वाहिद दिए गए थे जैसे तस्वीर, तो उसकी जमा क्या हो जाएगी, तस्वीर, ठीक है। इमारत, इमारत की क्या हो जाएगी, इमारात, है ना। तमगा, तमगे की क्या हो जाएगी, तमगे। जवाब का क्या हो जाएगा, जवाबात, है ना। ऐसे क्या है, ताल्लुक, ताल्लुकात, ठीक है। तो इस तरह से आप वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में बदल लेंगे। बेटा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल उर्दू के पेपर में कोई भी आपका ग्रामर का वर्क हो वो आपके बुक से ही आता है ना। ये आप ये ना सोचें कि कोई और बुक से हमें दे दिया जाता है, जो आपके चैप्टर में बुक वर्क दिया जाता है उन्हीं से ही आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और आप लोगों का कुछ जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है CBSE की तरफ से वो जारी किया जा चुका है, तो वो भी मैं एक आध दिन में आप लोगों का अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसकी मदद से कि किस तरह से आपके पेपर आने वाले हैं। चलिए यहाँ लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो रिहाइशगाह, रिहाइशगाह कहते हैं जहाँ रहते हैं, है ना, घर। तो कहते हैं आपकी रहाइशगाह कहाँ है, यानी आपकी रहने की जगह कहाँ है, ठीक है। फिर लिखते हैं तहजीब, तहजीब किसे कहते हैं, किसी का रहने सहने का स्टाइल, है ना। तो क्या लिखते हैं, हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, ठीक है। कुतुब खाना, कुतुब खाना किसे कहते हैं, जो आपकी लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें हों, ठीक है। इसी तरह से नुमाइश, नुमाइश कहते हैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है। इसके बाद आज़ाद लिखा है, आज़ाद मतलब फ्रीडम, तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारा मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।